वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम पढ़ेंगे कि बोन ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एडल्ट है नर्सिंग की जो फर्स्ट यूनिट है आर्थोपेडिक नर्सिंग के, तो ये उसकी डिजीज़ की सीरीज़ हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास 10 नंबर डिजीज़ है और ये हमारे पास लास्ट डिजीज़ है आर्थोपेडिक नर्सिंग की। ठीक है, तो बोन ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है, तो सारे डिजीज़ को करने के लिए और ये हम केमी की जो कोर्स कंटेंट के मुताबिक हम ये स्लाइड तैयार करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो आप अगर केमी नर्सिंग लेक्चर हमत पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बोन ट्यूबरकुलोसिस हमारे पास क्या होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस इज एन एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सट्रीमली एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है कि वो मेनली जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो जो ट्यूबरकुलोसिस होते हैं ना, तो प्राइमरीली इफेक्टेड ये हमारे पास लंग्स को इफेक्ट करते हैं, बट इन सम केसेस इट कैन स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये नॉर्मली जो है लंग्स को इफेक्ट करते हैं, तो फिर ये लंग से ही थ्रू द ब्लड वो दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, और वहाँ इन्फेक्शन काज करा देती है। फिर क्या है कि विन ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड इट इज़ रेफर टू एज एज एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो जो मतलब टीबी लंग से स्प्रेड हो जाती है दूसरी और जगह में, उसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे। ठीक है, वन फॉर्म एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज बोन एंड ज्वाइंट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, बोन और ज्वाइंट ट्यूबरकुलोसिस ये भी हमारे पास क्या है, टाइप्स हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के। ठीक है, फिर हमारे पास ये है कि बोन ट्यूबरकुलोसिस क्या है, तो बोन ट्यूबरकुलोसिस आर ऑस्टियो आर्टिकुलर ट्यूबरकुलोसिस है, मतलब जो बोन के दरमियान आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है उस पे ये इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो बोन दो बोन के दरमियान जो ज्वाइंट होती है उस पे ये इफेक्ट करा देती है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, ये तो पहले हमने पढ़ा। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप्स इज अ स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस। सो स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस एम सी क्यूज के लिए याद रखें कि मोस्ट कॉमनली कौन से ट्यूबरकुलोसिस अगर होती है, तो स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस है। समझ गए स्टूडेंट। फिर क्या है कि दिस हैपन व्हेन द माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन स्प्रेड इनटू योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस आल्सो कॉल्ड द फुट डिजीज। तो ये एम सी क्यूज के लिए याद रखें कि स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस तो कॉमन डिजीज है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से, लेकिन उसकी जो मतलब मेडिकली उसको हम कौन सी नाम दिया हुआ है, तो पुट डिजीज़ जो है हम कहते हैं कि जो स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस होती है तो उसको हम पुट डिजीज़ कहेंगे। फिर इसकी काजेज़ क्या होती है। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज बाय द बैक्टीरियम। कौन सी बैक्टीरियम से काज होती है, ट्यूबर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। फिर दिस बैक्टीरियम एंटर द एयर व्हेन एन इन्फेक्ट पर्सन स्पीक मतलब या स्पीक कराते हैं या कप करते हैं या इन सेंगिन। ठीक है, एंड इज ब्रीथ इन बाई अनदर पर्सन। ठीक है, देखिए हमारे पास जो बैक्टीरियम होते हैं ना, वो जब एंटर हो जाती है तो मतलब ये एक इन्फेक्टेड पर्सन जब आपके साथ कोई मेल जोल में आती है, मतलब वो आपके साथ बात करते हैं या बात के दौरान जो है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जो है उसके माउथ से आपके आप पे लगती है ना, तो ये सब चीज़ों उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस की जो बैक्टीरिया है ये सबसे पहले एयर में चले जाते हैं, एयर में ये सस्पेंडेड रहते हैं और फिर एयर से कोई पर्सन वहाँ पे ब्रीथ वगैरह करवा देती है तो ये उसमें अंदर हो जाती है। ठीक है, और मसला क्रिएट करा देती हैं। वंस द बैक्टीरियम इज इन द लंग इट कैन ग्रो एंड स्प्रेड टू अदर एरिया ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो मेनली जो बैक्टीरिया होती है लंग्स पे इफेक्ट करते हैं और फिर लंग्स से ब्लड के थ्रू जो है अदर ऑर्गन में स्प्रेड होती है। तो ट्यूबरकुलोसिस रीच द मस्कोस्केलेटल सिस्टम इधर बाई हेमाटोजीनियस आर लिम्फेटिक स्प्रेड इन राउटली अबाउट 5% ऑफ द केस इज हॉप ऑफ विच रिजल्ट इन स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस एंड फुट डिजीज। देखिए हमारे पास ये किस
चीज़ के थ्रू मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम तक चलती है। तो ये ब्लड के थ्रू मीन हेमेटोजीनियस ले या लिम्फेटिक सिस्टम जो है इस दोनों के थ्रू जो है वो दूसरे जगह में चले जाती है। तो 5% जो है केसेस यही है कि उसे उसकी रिजल्ट में स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस या फुट डिजीज अकर होती है। फिर हमारे पास जो साइन सिम्टम होती है वो कौन सी होती है, तो बोन ट्यूबरक्लोसिस टिपिकली अफेक्टेड जॉइंट इन द स्पाइन, ठीक है, मतलब जो जॉइंट होती है स्पाइन में उस पर ये इफेक्ट करवाते हैं। ओनली 2-3% ऑफ केसेस अकर इन अदर जॉइंट्स, ठीक है, मतलब 2-3% अदर जॉइंट्स इफेक्ट करते होते हैं। मोस्ट ऑफ्टन जो है हिप्स एंड नी होती है। तो ये भी एमसीक्यू उसके लिए याद रखे कि हिप और नी जो जॉइंट है एक मोस्टली जो है बोन ट्यूबरक्लोसिस से अकर होती है। फिर उसकी जो सिम्टम्स ऑफ द जॉइंट एंड बोन ट्यूबरक्लोसिस टिपिकली इंक्लूड जॉइंट पेन होंगी, ये तो लाजिम है, ठीक है, डिफॉर्मिटी होंगी, मतलब जो नॉर्मल स्ट्रक्चर से वो डिवेटेड होंगी, लॉस ऑफ मसल मास होती है, ठीक है, एंड डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, उसकी जो रेंज ऑफ मोशन होती है वो कम होती है, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो है मतलब स्वेलिंग हो जाती है उस जगह पे जो इन्फेक्शन हुआ है, या इनलार्ज लिम्फ नोड होती है, ठीक है, या एब्सेस वगैरह कलेक्शन ऑफ जो पस होती है ना, तो देट अकर विद ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होती है, ठीक है। तो ये साइन सिम्टम है। अप टू 1/3 ऑफ अ पीपल विद बोन ट्यूबरक्लोसिस विल ऑल्सो हैव क्लासिक सिम्टम ऑफ टीबी सच एज लो ग्रेड फीवर अकरिंग इन द इवनिंग। देखिए हमारे पास ज़्यादातर जो होती है ना क्लासिक सिम्टम ट्यूबिक के यही होते हैं कि 1/3 ऑफ द पीपल इसमें बोन ट्यूबरक्लोसिस होती है, और उस बोन ट्यूबरक्लोसिस में 1/3 ऑफ द पर्सन के ये सिम्टम होती है। एक तो ये कि इवनिंग टाइम मतलब लो ग्रेड फीवर होती है, ठीक है, और फिर जो है हमारे पास कि वेट लॉस होंगे, ठीक है, उस पर्सन के वेट लॉस भी होंगे, ठीक है। फिर आधे के लॉस ऑफ एपिटाइट होंगे, मतलब उसकी जो भूख का ना लगना है इसको लग जाती है, ठीक है। फिर क्या होती है, हम डायग्नोसिस करवाएंगे इस पेशेंट के लिए, तो बैक्टीरियल कल्चर जो होती है, ठीक है, तो फिर हमारे पास जब हम डायग्नोसिस एक पेशेंट के लिए करवाते हैं तो बैक्टीरियल कल्चर करवाते हैं, मतलब उससे सैंपल वगैरह ले लेते हैं और उसकी कल्चराइजेशन करवाते हैं। फिर हम बायोप्सी अब बोन करवाते हैं, और बायोप्सी जब हम करते हैं ना तो सैंपल वगैरह ले लेते हैं और उस पर चेक करवाते हैं कि कौन सा मसला है, मतलब बेनाइन है या कोई ट्यूमर वगैरह है कि क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है कौन से बैक्टीरिया से हुआ है, ठीक है। फिर है कि बॉडी प्लूइड टेस्ट करवाते हैं, तो बॉडी प्लूइड टेस्ट करवाने के लिए मतलब प्लूरल जो लंग्स से प्लूइड लेते हैं, सीसेप से लेते हैं, मतलब जो सेरेब्रो स्पाइनल प्लूइड है, ठीक है, एंड साइनोवियल से लेते हैं। फिर रेडियोलॉजिकल जो टेस्ट हम करवाते हैं ना, तो मुख्तलिफ किस्म के रेडियोलॉजिकल टेस्ट करवाते हैं। बस फिर हमारे पास जो मेन टक्स टेस्ट होती है, तो ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है एमसीक्यूज के लिए, याद रखें कि बोन टेक्स बोन ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो हम टेस्ट करवाते हैं एक डायग्नोस्टिक, तो वो मेंटक्स टेस्ट होती है। और उसमें क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ अ प्रोटीन डेराइवेटेड फ्रॉम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस विच इज कॉल्ड पेड आर ट्यूबरकुलिन, ठीक है, इट इज इंजेक्टेड इन इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म, द इंजेक्टेड साइड इज देन चेक आफ्टर द 48-72 hours फॉर इम्यूनियम रिएक्शन। देखिए हमारे पास ये मेंटक डिजीज़ वो डिजीज़ होती है ना कि हम माइकोबैक्टीरियम की कुछ किस्म के प्रोटीन कलेक्ट कर देते हैं, और थ्रू मतलब ये ट्यूबरकुलिन के थ्रू जो है हम दे देते हैं, ठीक है, उसकी बॉडी में, जब वो हम उसकी बॉडी पे दे देते हैं ना, तो मतलब फिर हम चेक करते हैं, ठीक है, कितने टाइम बाद जो 48 घंटे से लेके 72 घंटे के बाद हम ये चेक करते हैं कि उसने कोई रिएक्शन किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे हमें भी पता चलता है कि अगर रिएक्शन हुआ तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मौजूद है, अगर नहीं हुआ तो फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। फिर मेडिकल एंड नर्सिंग जो मैनेजमेंट होते हैं, तो न्यूट्रिशन हम चेक करवाएंगे फॉर द मसल वेस्टिंग के लिए कि वो सही तरीके से न्यूट्रिशन लेता है या नहीं लेता है। फिर प्रमोट हाई कैलोरिक एंड हाई प्रोटीनिक डाइट, ठीक है, तो ये हम प्रोवाइड करवाएंगे ताकि उसकी बिल्डअप बॉडी हो जाए, ठीक है।
सर्जिकल जो इंडिकेशन है, मतलब कितना, मतलब हम कौन कौन से सर्जरी करवा सकते हैं, यूज़ कर सकते, तो ड्रेन लार्ज एब्सेस, ठीक है। तो लार्ज एब्सेस जो है उसको जो है बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ड्रेनेज और ओस्टियोटोमी करवाते हैं आप द डिफॉर्मिटी, ठीक है, मतलब इसको हम सुराख वगैरह करवा देते हैं, ठीक है, और रिमूव करवाते हैं जो डिफॉर्मिटी है। फिर आर्थोप्लास्टी और अफेक्टेड हिप एंड नी जॉइंट, मतलब जो हम दोबारा उसको रिफेयर करवाते हैं आर्थोप्लास्टी के ज़रिए, ठीक है। फिर आते हैं कि जो मेडिकली मैनेजमेंट है, तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट द ट्यूबरकुलोसिस, दीज इंक्लूड इनिशियल फेजेस। तो इनिशियल फेजेस में हम जो ट्यूबरकुलिन या ट्यूबरकुलोसिस ट्रीट करते हैं ना, तो इनिशियल फेज में हम 2 मंथ के लिए एक कोर्स देते हैं जो कि ये 4 मेडिकेशन पे कंसिस्ट होती है। एक हमारे पास आइसोनियाजिड है, ठीक है, एंड दूसरा हमारे पास रेपामपिसिन है, तीसरा जो है वो हमारे पास पैराजामाइड है, ठीक है, एंड 4th नंबर जो है वो इटामपिटोल है। तो ये 4 ड्रग्स हम देते हैं इनिशियल फेजेस में, 2 मंथ के लिए एक कोर्स होती है। दूसरी जो कोर्स होती है, मतलब वो कंटिन्यूएशन ऑफ पेज, ये पेज जो है कंटिन्यूस होती है, तो 2 से लेके 7 मंथ तक उसकी एक मैनेजमेंट होती है। तो आइसोनियाजिड रेपामपिसिन ये हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो मेडिकल मैनेजमेंट हम बोन ट्यूबरकुलोसिस के लिए करवाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास बोन ट्यूबरकुलोसिस और उसकी मैनेजमेंट, उसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और वो कौन सी बैक्टीरिया से लगती है। तो ये था हमारे पास लास्ट डिजीज़ जो कि आर्थोपेडिक नर्सिंग के है, और फर्स्ट चैप्टर जो है HN2 फोर्थ सेमेस्टर की जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो आप अगर किम नर्सिंग लेक्चर हमत पे नहीं हो, तो इसी तरह सीरीज़ की डिजीज़ को लेने के लिए जो है आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए। बेल द आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स।